दोस्तों आपने कोरोना के समय में देखा होगा, किसी किसी को कोरोना हुआ, किसी किसी को नहीं हुआ। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जो कोरोना पेशेंट के साथ में रहे लेकिन उनको कोरोना होकर निकल गया लेकिन उनको पता नहीं चला। और कुछ लोग ऐसे थे कोरोना काल में कि जिनको कोरोना हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हुआ कि किसी को कोरोना हुआ किसी को नहीं हुआ। एक्चुअल में ये कोरोना के साथ ही नहीं होता है, और भी जो बीमारियां हैं जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, इनमें भी यही होता है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होता है, उनको बीमारियां जल्दी से नहीं होती। तो दोस्तों जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, न कि बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमें बीमारियां हो ही ना। या मैंने अपने क्लिनिक पर ये पाया है, ऐसे लोग जिनकी नींद बहुत अच्छी है, जिनका जो जीवनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल वो व्यवस्थित है, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, उनको बीमारियाँ भी कम होती हैं। और ऐसे लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल या जीवनचर्या अव्यवस्थित है, उनको बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। सबसे पहला आहार, हमारा जो भोजन है वो संतुलित होना चाहिए, मतलब उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, विटामिन भी और मिनरल्स भी होने चाहिए। अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को जो विटामिन चाहिए होते हैं, जो मिनरल्स चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है लड़ने के लिए, वो प्रॉपर मिलती है। अगर हम अच्छा भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ में भोजन का समय का निश्चित होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन में पोषक तत्व होना जरूरी है। समय बेसमय भोजन करने से भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और वो जो है स्टूल के थ्रू वेस्टेज के रूप में निकल जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग खाते तो बहुत अच्छा है, बहुत पौष्टिक आहार लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बीमारियां घेरे रखती हैं। अगली बात आती है दोस्तों नींद की। 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो। अगर नींद 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद हो रही है तो जो बॉडी हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स में सेल्स का रेस्टोरेशन होता है, सेल्स का रीजनरेशन होता है, तो हमारी जो बॉडी रहती है वो हेल्दी दिखती भी है और हेल्दी रहती भी है। अगला आता है दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। पानी का मेन फंक्शन ये होता है, वो हमारे बॉडी में जाता है और किडनी जो रहती है वो पानी के थ्रू ही टॉक्सिन्स को रिमूव कर देती है बॉडी से। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो पानी से होता है। तो कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी हर किसी को पीना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो रोल प्ले करता है वो होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप जिम में भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि सुबह और शाम घूमने जाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम सुबह घूमने जाते हैं ठीक है, वॉक तो होता है, फिजिकल एक्सरसाइज तो होती ही होती है, लेकिन इसके साथ में ऐसे कुछ हार्मोन्स भी बॉडी में जो रिलीज होते हैं जो हमको पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखते हैं। सुबह के समय ऑक्सीजन का लेवल भी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत अच्छा रहता है, जिससे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। सिमिलर फायदा शाम के समय टहलने से भी होता है। शाम के समय का जो माहौल रहता है उसमें जब आप जाते हैं तो एक तो आप एक्सरसाइज तो हो ही रही है आपकी वॉक के कारण से, लेकिन साथ ही साथ आप मेंटली भी फ्री होते हैं, थॉट लेस हो जाते हैं, विचारों की कमी आती है अगर आप बाहर घूमने जाते हैं तो। दोस्तों हमारे शरीर में एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो रहता है वो मसल्स मूवमेंट से चलता है, और लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम ये होता है कि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का मेन हिस्सा है। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनसे लड़ने में हेल्प करता है, और इसका सर्कुलेशन होता है मस्कुलर मूवमेंट से। आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं, जितने आपके बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उससे ये फ्लो करता है। इसका फ्लो जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी इम्यूनिटी होती है। जैसे यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते हैं ये भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जो मुंह के अंदर जाने वाले बैक्टीरिया या वायरस को रोकते हैं। इसलिए क्या होता है, अगर कभी कोई बैक्टीरिया गले से अंदर जाने की कोशिश करता है तो टॉन्सिल्स आ जाते हैं। एक प्रकार से टॉन्सिल्स जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि हमें खुली हवा और धूप में भी रहना चाहिए। अगर कोई तेज धूप में नहीं रह सकते तो सुबह और शाम की जो हल्की धूप होती है उसमें भी घूमना चाहिए। धूप में घूमने से फ़ायदा होता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है, और विटामिन डी का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है बोन को जो रहता है वो शक्ति प्रदान करता है, स्ट्रेंथ करता है बोन को। इसके साथ साथ में ये डिप्रेशन, सुस्ती और एंजाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर इसकी कमी अगर किसी में हो जाए तो।
इतनी चीज़ें दोस्तों अगर अपनी लाइफ में आप शामिल करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी लो नहीं होगी। इवन ये जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हुई हैं, इनके कारण से वेट गेन, वेट लॉस होने की जो प्रोसेस होती है वो भी मेंटेन हो जाती है। मतलब किसी का वेट अगर ज़्यादा है तो वो नॉर्मल में आ जाएगा, कम है तो बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ में जो सीजनल बीमारियाँ होती है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब भी धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।